जिम्मेदारियां आपकी और मैं सारे झंझटों से मुक्त होकर चैन की नींद सोऊंगा। शादी से घबरा गई थी आप या मैंने तुम्हें फोन किया? ओके बाबा, प्रॉमिस, नहीं बताऊंगी। देखा, मैंने कहा था ना कि राम्या सर जी को बहुत प्यार करती है। और वो ऐसी सर जी को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती। आ गई ना वापस, अब कोई टेंशन नहीं है ना मासी जी। तुमने क्या? मैंने कहा था ना आदित्य, तुम उसे छुटकारा नहीं पा सकते। मुझे जो चाहिए मैं वो हासिल करके रहती हूँ। राम्या, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? और सर जी और रामे, आप लोग किस लिए लड़ रहे हैं? क्यों झगड़ रहे हैं आप सर? तुम्हें क्यों आए? तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो शादी एक समझौता था। मैं नहीं मानती उस शादी को। ये क्या कह रहे हैं आप लोग?
सरजी की शादी किससे हो गई? तुमसे, तुमसे, तुमसे। जो जरूरी है और तू इसी को जलील कर रही है मोना। अरे तुझे तो इसका उपकार मानना चाहिए, इसकी वजह से आज तू जिंदा है। ये आप क्या कह रही है मासी जी? अनुकल्प के जाने के बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम कोमा में चली गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब सबके पास कोई उम्मीद तेरे लिए बची नहीं। कभी गुरुजी आए हमारे जिंदगी में फरिश्ता बनता। उन्होंने कहा कि तुम्हारी किस्मत में विधवा का योग है ही नहीं, इसलिए जल्द से जल्द वह स्वागत बनाना पड़ेगा, वरना तुम
हमें छोड़कर चल। अनुकल को खोने के बाद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं बहुत लाचार थी, बहुत बेबस थी, इसलिए मैंने आदित्य से कहा कि तुम्हारी मांग में सिर्फ जानती हूं बहुत अन्याय किया है मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हें अपने पति की मौत का मातम भी नहीं मनाने दिया। 13 दिन हुए थे अनुकल्प को गए और बिना ना तुमसे पूछे मैंने शादी करा दी, लेकिन और कोई कोई चारा नहीं था। मुझे तो जो सजा देनी है तू दे दे मुझे, लेकिन इसे कुछ मत कहना। इसने जो किया मजबूरी में किया, मैंने मजबूर किया था। तेरी गुनहगार मैं हूं, लेकिन मैं तुझे बस बचाना चाहती थी। मर जाने दिया होता ना मुझे, ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है। ये जिंदगी तो मौत से भी ज्यादा बदतर है अम्बा जी। क्यों? रब ने तो अनुकल्प को मुझसे जुदा किया, पर आपने आपने तो मेरे अनुकल्प का मुझसे नाम भी जुदा कर दिया। उसकी विधवा होने का हक भी छीन लिया मुझसे आपने। क्यों किया ऐसा? क्यों? अनुकल्प से कितना प्यार करती हूँ, फिर आपने ऐसा कैसे होने दिया? पता है ना आपको, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। क्यों किया आपने ऐसा? मेरी माँ, आप तो मेरी माँ है ना, आप तो मुझे समझती है ना। ऐसे तमाशा बनते कैसे देखते रहे आप लोग? क्यों चुप थे? क्यों कुछ नहीं बोला आप लोगों ने? क्यों नहीं बोला? आप सबने मिलके मेरी बेइज्जती की, मेरे अनुकल्प की बेइज्जती की है, मेरे प्यार की बेइज्जती की है। आप सबको मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अंबा जी, क्या तो आप मुझे बहुत बेटी बेटी कहती थी ना, अनुकल्प के जाने के बाद मैं आपकी बहू भी नहीं रही। या ये कि एक विधवा बहू आप पे बोझ बन गई है। तेरी अम्बा जी तुझे आज भी अपनी बेटी मानती है, इसलिए तो अपने बेटे का गम भुलाकर इन्होंने फिर से तेरा ब्याह करा दिया, तेरी जिंदगी बचाने के लिए। पूना, माँ बाप का दुख दर्द, उनकी जिम्मेदारियां, उनकी
बेबसी, सिर्फ माँ बाप बनकर ही महसूस किया जा सकता है पुत्र। अभी बच्ची नहीं समझ पाएगी। ओए पुत्र, तेरी मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। पुत्र, अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची को मरते देखना आसान नहीं है। पुत्र, एक दिल में एक ऐसा दर्द उठता है ना कि उसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े रीति रिवाज सब बेमानी हो जाते हैं। अंकल के बिना मैं कैसे जीऊंगी? बस कर पुत्र, बस कर। तू बिल्कुल सही कह रही है। हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तेरे बारे में नहीं। हम तेरे गुनहगार हैं, लेकिन हम क्या करते पुत्र? हम बस तुझे जिंदा देखना चाहते थे, तुझे बचाना चाहते थे। ये भी नहीं सोचा कि तुझ पर क्या गुजरेगी। हमें पता है कि हमारा तरीका गलत था। तुझसे पूछे बगैर तेरी जिंदगी का फैसला सुना दिया हमने। लेकिन पुत्र, अनुकल्प की मौत से हम भी तो टूट गए थे, और तुझे तुझे खोने के डर ने हमें कमजोर बना दिया था। पुत्र, तू ही बता, हम और क्या करते? यार, बड़ा ही खुदगर्ज होता है, और माँ बाप का तो सबसे ज्यादा। हर हाल में किसी भी कीमत अपने बच्चे को खुश और सही सलामत देखना चाहती, और हमने भी वही चाहा। मैं सबकी तरफ से तुझसे माफी मांगती हूँ पुत्र, चलो माफ कर दे। क्या कह रहे पुत्र? नहीं समझना मुझे। सब झूठे। उसे थोड़ा समय दो, वो अपने आप समझ जाएगी कि हमने जो कुछ भी किया वही सही है। समझ तो जाएगी और हालात से समझौता भी कर लेगी, लेकिन आप सबको कभी माफ नहीं करेगी। आप सबने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। कभी खुश नहीं रहोगे आप लोग, कभी नहीं। और ना आपकी वो मोना खुश रहेगी जिसकी वजह से आपने मुझसे मेरा आदि छीन लिया।